न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम प्रोफेसर सत्यजीत रथ से बातचीत करेंगे कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन पार्लियामेंट में कल कहा कि हमने बहुत सारे जीत पा लिए हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, तो उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ऑस्ट्रोजेनका का ट्रायल्स का रिजम्पशन हो गया, बीच में रोक दी गई थी, वो रिजम्पशन हो गया, तो क्यों रोकी गई थी और जो फिर चालू हुआ है उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में हम प्रोफेसर राज से बात करेंगे। प्रोफेसर राज, आपको ये पूछना था मुझे कि हर्षवर्धन साहब ने कल कुछ आंकड़े हमको दिए, उसमें ये है कि डेथ्स इतने कम हुए हैं, अवॉइड किया हमने, और हमने उन्होंने ये भी कहा कि जितने इन्फेक्टेड केसेस हैं वो भी हमने इतना लाख कम किया है, आंकड़े दिए हैं कितना लाख कम किया, कितना हजार लोग कम मरे हैं, पर हमारे आंकड़े तो अभी बढ़ ही रहा है, तो इसमें हमने अवॉइड कैसे किया? अवॉइड किया, ये तो पोस्टपोन किया डेथ्स और इन्फेक्शन को लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वो तारीफ कर रहे थे, तो ये क्या हो सकता है जब आपके आंकड़े बढ़ रहे हो तो आप ये कहें कि हमने अवॉइड कर लिया, मतलब ये होगा ही नहीं? अब ऐसा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं लोकसभा में, तो सुनना तो पड़ेगा, और चूंकि अपने सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे आंकड़े चुनेंगे जो कम से कम दिखावे में उनके पक्ष में कुछ सबूत जैसे दिखें, तो सिर्फ उतना मामला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो इसलिए कि जब फरवरी मार्च में महामारी चंद देशों में शुरू हुई थी, दुनिया भर में हर देश में एक ही रफ्तार से तो थोड़ी शुरू होती है, तो किन देशों में शुरू हुई थी, किन देशों में बड़ी जोर शोर से बढ़ रही थी तेज रफ्तार से, कई और देशों में छुटपुट छुटपुट केसे दिखाई देने लगी थी। अब हमने क्या किया, हमने मार्च में इसके पहले के कुछ बड़े आंकड़े में हमारे यहाँ रोगी दिखाई दें कोविड 19 के, हमने चार घंटों की पूर्व सूचना दे के तालाबंदी कर दी और राष्ट्रव्यापी तालाबंदी कर दी, जबकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ 600 ही केसेस के, 600। वही तो कह रहा हूं कि हमारे पास कुछ थोड़ी संख्या में रोगियों की तादाद थी, तभी हमने पूरी राष्ट्रव्यापी तालाबंदी कर दी और वो 2-3 महीनों तक बड़ी कड़ी सख्ती से चलाई। तो इसका मतलब ये कि हम ना हिले ना डुले, घरों में बैठे रहे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों का, खास करके रोजगार का जो हाल हुआ वो तो हम सबके सामने है, लेकिन एक नतीजा ये भी हुआ कि जैसे बढ़ने जा रहे थे रोगियों के आंकड़े, वो थोड़े पीछे छोड़ दिए हमने, यानी कि आज अगर हमने बंद कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब समय के लिए वो बंद हो गए, इसका मतलब सिर्फ ये कि कुछ दिनों बाद, 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो शुरू होंगे। तो हमने पोस्ट, इसका सबूत ये है कि जैसे हमने तालाबंदियां देश भर में यहां तहां छोटे छोटे कदम उठाई हैं, वैसे वैसे हमारे रोगियों के आंकड़े बढ़े हैं। सिर्फ उतना नहीं, रोगियों के आंकड़े, हम एक ही देश है आज दुनिया में जहां रोगियों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं जो पिछले करीब 3 महीने से बढ़ रहे थे। रफ्तार में खास फर्क नहीं आया अभी, थोड़ा ऊंचा नीचे हर दिन का होते रहता है, लेकिन आम आंकड़े देखे जाए तो रफ्तार बढ़ती जा रही है।
ये इन हालात में है जहां अमेरिका में है, जहां महामारी हमसे बहुत पहले फैली थी और बहुत बड़े पैमाने पर फैली थी, वहां के आंकड़े भी अब कम होने लगे हैं कुछ ब कुछ। यहां तक कि ब्राजील में, जहां ब्राजील की राष्ट्रीय सरकार तो महामारी को माने ना माने ये हाल थे, जो कुछ महामारी के खिलाफ ब्राजील कर रहा है वो राज्यों की सरकारें और लोग जो अपनी ओर से कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वहां के भी आंकड़े या तो एक सतह पर है या थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। ऐसे हालात में भारत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो साफ है कि हमारे यहां तालाबंदी का एकमात्र नतीजा महामारी के हिसाब से ये हुआ कि महामारी भारत में देरी से शुरू हुई, लेकिन जो शुरू हुई सो शुरू हुई। तो अब ये हमारे लिए वैसे दिन है जैसे कि अमेरिका में 2-3 महीने पहले थे। तो अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहें कि चूंकि हमारे आंकड़े अभी छोटे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा काम अच्छा है, और 1-2 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये बात कहना चाहूं कि लोगों में भ्रम पैदा करो कि जिन आंकड़ों के आधार पर आप जैसे विधान नहीं कर सकते वैसे विधान आप लोकसभा में करो, तो वैज्ञानिक आधार लेके बात करने के बजाय सिर्फ आप पब्लिक रिलेशंस का एक चक्कर चला रहे हैं। आपका कहना है कि हेल्थ मिनिस्टर ना होके अब पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, ये कही जा सकती है। हम ये नहीं कह रहे पर ये कही जा सकती है। बार बार कहा जाता है कि हमारे आंकड़े, खास करके हमारे COVID-19 से मरने वालों के आंकड़े बहुत कम है, पर 100,000 हमारा फिगर्स बहुत लो है। बार बार सिर्फ हर लाख लोक संख्या के आधार पर भी नहीं, लेकिन जिसे केस फैटलिटी रेट कहा जाता है कि जो केसे पहचानी जाती हैं उनमें से कितने लोग मारे जाते हैं वो प्रमाण भी देखें, तो वो भी और कई देशों के तुलना में कम है। परेशानी ये है कि बार बार पिछले 6 महीनों में कई अभ्यासकों ने इस बात की ओर निर्देश किया है कि हमारे, क्या हमारे आंकड़े पूरे विश्वसनीय हैं या नहीं, क्रेडिबल हैं या नहीं, क्या हम कई मौतों को गिन नहीं रहे, क्या हम कई मौतों को पहचान नहीं रहे। अब इस मुद्दे को लेकर मैंने अभी तक सरकारी सूत्रों से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, कोई उत्तर नहीं देखा, कोई यूं बात नहीं देखी कि हम इस मुद्दे को, इस संभावना को गंभीरता से ले रहे हैं, हम इस तरीके के अभ्यास कर रहे हैं, इस तरीके के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और इससे यूं यूं जाहिर होता है। आपका मैं बातों की पुष्टि करना चाहूंगा। तो एक तो ये है कि अमूमन नॉर्मल टाइम्स में भी आप देखेंगे कि बिहार यूपी जैसे जगहों पर, प्रांतों में, सरकारी सूत्रों से रिसर्च की जो लोगों ने किया है उसके वजह से, उसके आंकड़ों के साथ भी, कि डेथ रेट 70-75% से ज्यादा रजिस्टर नहीं होते। एक तो नॉर्मल टाइम्स में, कोविड टाइम्स में बिहार के आंकड़े हमारे सामने हैं, अखबारों में काफी इसका चर्चा की है कि जो क्रिमेटोरियम और बेरियल ग्राउंड्स है वहां के आंकड़े अगर मिलाएं जो COVID-19 की प्रोटोकॉल्स के दौरान उनको दफनाया जा रहा है या क्रिमेट किया जा रहा है, दैट मींस उनके COVID-19 के पेपर्स के साथ ही भेजी जा रही है कि पूरी आप इसकी सावधानी बरतें और तभी इनके क्रिमेशन या बेरियल करें।
तो उनके फिगर्स और सरकारी फिगर्स में कुछ जगहों पर तो एक 20 में से एक फिगर सरकार की हो रही है, 20 यहाँ से आ रही है, इस तरह के डिफरेंसेस है। तो सिर्फ आधा नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा बिहार के कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं। यही चीज दिल्ली में पहले थी, काफी क्रिटिसिज्म के बाद उसको रेकनसाइल कर दी गई थी, और देखा जाता है अब कि अमूमन दिल्ली की जो आंकड़े हैं वो ज्यादा विश्वसनीय है। तो ये सब देखते हुए तो एक तो एक नॉर्मल आंकड़ों की बात अब कर रहे हैं कि कितना विश्वसनीय है, और ये भी उस पर दर्शाया गया था बिहार के केस पे खास तौर से कि वहां पर अगर आपके पास कोमॉर्बिडिटी जिसे कहते हैं और किसी बीमारी भी आपके है, अब ब्लड प्रेशर डायबिटीज एक उम्र के बाद लोगों का रहता ही है, तब आपकी कॉज ऑफ डेथ COVID-19 घोषित न करके आपको और कुछ घोषित किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है, अखबारों से आ रहा है ये विवरण। तो इन सब को देखते हुए, और ये एक प्रांत की बीमारी नहीं है, बहुत प्रांतों में इस बीमारी को देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स ही नहीं है, सब प्रांतों में है, तेलंगाना में पहले से ही फिगर्स नहीं है। तो ये सब अगर आप देखें तो आप जो कह रहे हैं कि डेथ रेट्स कितनी विश्वसनीय है, इसकी भी सवाल हमको करनी चाहिए, और इसका रिस्पॉन्स सरकार ने अभी तक किया नहीं जी। लेकिन इसमें एक बात हम लोगों ने, हमारे दर्शकों ने भी सोचनी चाहिए कि सिर्फ भारत की सरकार नहीं, हर सरकार देश दुनिया भर में इस तरीके के आंकड़ों के खेल खेल रही है, इसलिए कि यूं दिखावा बनाए कम से कम कि सरकार महामारी के खिलाफ पर्याप्त कदम उठा रही है। अब चूंकि मृतकों के आंकड़ों को लेकर हम अभी बात कर रहे थे, तो अमेरिका में यहां सरकारी वैज्ञानिक सूत्रों ने कहा कि जितने लोग मरे हैं उनमें से सिर्फ 6% लोग बिना किसी दूसरी बीमारी के COVID-19 से मरे हैं, यानी कि 94% लोगों को COVID-19 के साथ साथ जो जिन बाकी बीमारियों का, दीर्घकालीन बीमारियों का जिक्र आपने किया, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि बहुत मोटापा है या इस तरीके के, तो 94% मृतकों को ऐसे अन्य रोग भी हैं, ये कहना था सरकारी वैज्ञानिक सूत्रों का। इसका बदलाव और आंकड़ों का खेल अमरीकी राष्ट्राध्यक्ष के समर्थकों ने क्या किया कि भैया सिर्फ 6% लोग COVID-19 से मरे हैं, बाकी तो COVID-19 से मरे ही नहीं, ब्लड प्रेशर से मर गए, वो तो अपनी बीमारी से मर गए। तो एक आप ये बात तो कही, इसके साथ साथ और एक बात है, इंडिया की डेमोग्राफी जो है यंग डेमोग्राफी, हमारा मीडियन एज जिसे कहते 26-27 के लगभग है, जबकि इटली में 23-44 के लगभग, 43-44 के लगभग है। तो इसमें से भी अगर आप देखें तो यंग डेमोग्राफी में इतना मौत होता नहीं है, रिकवरी जल्दी होता है। तो ये भी एक वजह है कि हमने कैलकुलेशन किया था कि इटली की डेमोग्राफी के जगह पर इंडियन डेमोक्रेसी में उतना ही लोग बीमार अगर होते तो क्या होता, तो 2.5% इटली का फिगर अपने आप 1% हो जाता। तो इसमें वैसे भी हमारे यहाँ कोई फर्क नजर नहीं आता जो सरकार क्लेम कर रही थी, और केस फर्टिलिटी रेशियो की जो बात कर रहे थे। और इसके काफी परिणाम हैं, ये जो लोक संख्या की के आयुर्मान का जो अल्लाह है उसे लेकर, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात कर रहे हैं आप, उसको लेकर और भी काफी परिणाम सामने आते हैं। जैसे कि वैक्सीन्स को लेकर काफी फर्क पड़ने हैं, इसमें भी कि किसको वैक्सीन दे और इसमें भी कि किसमें वैक्सीन ज्यादा काम करे। तो सिर्फ बीमारी की तीव्रता का या मृतकों के आंकड़ों का मामला नहीं है, और भी कई पहलू हैं इस मुद्दे के।
जिनके बारे में लोगों ने सोचना चाहिए। सत्य जी, इस चीज के बारे में हम जरूर आएंगे और एक दिन, क्योंकि एक आपने गंभीर विषय उठाई कि वैक्सीन किसको कब मिलनी चाहिए, इसकी साइंटिफिक, पॉलिटिकल, सोशल क्या एनालिसिस होनी चाहिए, कैसे एक क्राइटेरिया साबित हो कि ये क्राइटेरिया फॉलो करे, और क्या इस साइंस के आधार पे या सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे करे, ये भी सवाल है। तो पेचीदा सवाल है, इस पर एक दिन और एक दिन आएंगे आपके पास। पर आज मैं आखिरी बात इस पर खत्म करना चाहूंगा कि AstraZeneca का वैक्सीन ट्रायल्स फिर शुरू हुई है, अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त सभी कह रहे हैं कि वो फ्रंट रनर है। हालांकि सही बात तो यह है कि 3-4 और भी वैक्सीन करीब करीब उसी रफ्तार से और उसी जगह पर है, पर AstraZeneca ज्यादा प्रचलित है, कई देशों में हो रहा है और खास तौर से हिंदुस्तान में भी उसके ट्रायल्स हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी इसमें काफी अगुवाई कर चुकी है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी। तो किस लिए रोकी गई थी और ये किस आधार पर फिर शुरू हुई है? जी, तो AstraZeneca ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि जिन वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दी जा रही थी उनमें से एक को स्पाइनल कॉर्ड के इन्फ्लेमेशन का, शोथ का, सूजन का विकार हो गया, बीमारी हो गई। तो जरूरी था कि जो डेटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड जो ग्रुप होता है, जो इन सब मामलों पे नजर रखता है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में, उन्होंने उस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या यह सही में जो ट्रायल वाली वैक्सीन दी जा रही है उसकी वजह से हुआ। अगर हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ तो क्या ये इतना गंभीर परिणाम है के ट्रायल को रोका जाए, या ये बहुत सीमित मामला है और ट्रायल को आगे बढ़ने देने में कोई हर्ज नहीं। तो इस पिछले दिनों आखिरकार बोर्ड ने ये कहा कि जहां तक हमें पता है, बोर्ड ने ये कहा कि ट्रायल को आगे चलाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो परिणाम था इसकी संभावना ऐसी नहीं है कि बहुतेरों को ऐसा कुछ हो जाए, और इसके लिए ट्रायल की रोक हटाई गई और ट्रायल को आगे शुरू करने में इजाजत दी गई। तो ऐसी बातें किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में, या दवाई की हो या वैक्सीन की हो, अक्सर होती है जब आंकड़े वॉलंटियर्स के बहुत बड़े होते हैं या 10,000 से ज्यादा लोगों में। अच्छी बात है कि आगे शुरू हुआ है ट्रायल का मसला। हम लोगों को, जिसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कहा जाता है, AstraZeneca का वैक्सीन, वो चूंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में बनाने की ठानी है, तो हम लोगों को आशा है कि वो वैक्सीन अगर काम करें तो हिंदुस्तान में काफी वैक्सीन के डोज उनकी उपलब्धि सही हो। अब हम लोगों ने इसको लेकर बात की हुई है कि वैक्सीन्स किसको दें, कितनी मिलेंगी, कब मिलेंगी, इसके बारे में काफी संदिग्धता है, लेकिन उस लिए ये अच्छी खबर है। 8 हैं वैक्सीन कैंडिडेट्स आज जो phase 3 क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं। कुछ चीनी है, कुछ यूरोपीय है, कुछ अमरीकी है। AstraZeneca की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पे हम निर्भर नहीं है, दुनिया में काफी काम चल रहा है। और भी 20-25 वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो phase 1, phase 2 क्लिनिकल ट्रायल में है, और आते दिनों में, महीने दो महीने में, वो भी phase 3 क्लिनिकल ट्रायल में आ जाएंगे। परेशानी ये होगी कि इतने सब वैक्सीन कैंडिडेट्स की phase 3 क्लिनिकल ट्रायल होगी कहाँ? डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करके शायद हिंदुस्तान की जो बीमारी बढ़ रही है उसके एक अच्छी लक्षण ये होगी कि वैक्सीन ट्रायल्स की इतना चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कहाँ मिलेंगे रोगी कहाँ मिलेंगे। ब्राजील इसमें काफी मदद कर रहा है वैक्सीन कंपनियों को,
शायद हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा वैक्सीन ट्रायल्स इस वक्त ब्राजील में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, पर हो सकता आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में हो, क्योंकि हमारी रफ्तार तो इस अभी तक जो दिख रहा है वो चलती रहेगी। आखिरी बात मैं दर्शकों से बात बताना चाहूँगा कि हम पहले भी इसकी बातचीत कर रहे हैं कि फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स की अहमियत ही है कि बड़े पैमाने पे जब ट्रायल्स होते हैं तब हमें जो ऐसी चीजें सामने आ सकती है वो आ जाती है कि इस पे क्या एडवर्स रिएक्शन कुछ लोगों को होता है, किनको होता है, और फेज थ्री ट्रायल्स की इसीलिए जरूरत है, इसको सीमित नहीं कर सकते, और जब तक उस पे खड़े नहीं उतरते वैक्सीन तब तक आम इंसानों पे इसके इस्तेमाल नहीं हो सकती है। डॉक्टर रथ हमारे साथ कई बार इस चीज की बातचीत कर चुके हैं और यही चीज एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की भी सामने आई है कि हाँ जो सवाल है वो गंभीर सवाल है, पर वो वैज्ञानिक जवाब उनके अभी तक यही है, इससे ज्यादा चिंता करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। इस पर एस्ट्राजेनेका पर काफी क्रिटिसिज्म भी हुई है कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बताए थे क्या, बड़े शेयर होल्डर्स को बताए थे क्या प्रॉब्लम है, पर उसको आम जनता के साथ उसको शेयर नहीं किया था। वैज्ञानिकों ने भी इसकी काफी चर्चा की है कि शेयर होल्डर्स को बताना और आम जनता को न बताना ये सही नहीं था, पर इसकी बात आज हम ही छोड़ देते हैं। सत्यजीत, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। आज के लिए न्यूज क्लिक में इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज क्लिक।